और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, अमित शाह जो हैं तमाम लोगों के बीच में आपको नजर आ रहे हैं। आज होली का त्यौहार है, तमाम लोग जो हैं उत्साहित हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन होली की शुभकामनाएं देते हुए हाथ जोड़कर हर किसी को ये बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुँचे हुए हैं और यहाँ देखिए होली की खुमारी जो है लोगों पर चढ़ी हुई है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली खेलते हुए वो नजर आ रहे हैं। ये अहमदाबाद की तस्वीरें और ये तस्वीरें आपको ब्रज की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जहां पर देखिए होली की खुमारी एक अलग रंग में नजर आ रही है। और वही देखिए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी होली के रंग में डूबे हुए नजर आए, होली के गीतों पर झूमते और अपनों के बीच रंगों के त्यौहार को पूरे हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हुए नजर आए। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ गीत गाते हुए। और एक बार फिर से अहमदाबाद से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो अहमदाबाद पहुंचे हुए हैं, आज खुशियों का त्यौहार है, अपने कार्यकर्ताओं के बीच वो पहुंचे हुए हैं और होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए चुनावी मौसम जरूर है लेकिन होली का त्यौहार जब सामने है तो आम से लेकर खास तक हर कोई इसके रंग में डूबा हुआ नजर आ रहा है। और कोशिश जो नेताओं की है वो यही है कि आज के दिन अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहें, उनके साथ होली खेलें, क्योंकि बड़ी मेहनत ये कार्यकर्ता करते हैं जमीन पर। और देखिए इस बीच बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने होली के मौके पर तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए अहमदाबाद से एक बार फिर से ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो आपके सामने, अमित शाह यहाँ पर कार्यकर्ताओं के बीच आपको नजर आएंगे। होली का त्यौहार उन्होंने मनाया है, कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे हुए हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो चुनावी मौसम में जो कार्यकर्ता हैं वो जमीन पर उतरते हैं, उनके लिए काम करते हैं, टीम के लिए काम करते हैं और ऐसे में उन कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचकर होली खेलना यानी कि उनका उत्साह बढ़ाना। और भूपेंद्र पटेल आपको मुख्यमंत्री भी गुजरात के नजर आ रहे हैं, होली की शुभकामनाएं देते हुए नजर आ रहे हैं और चेहरे पर आज गुलाल भी नजर आ रहा है। देखिए सियासी रंग तो नजर ही आ रहे हैं क्योंकि चुनावों का दिन है, चुनावी मौसम है, लेकिन ऐसे में कार्यकर्ताओं का जोश और ज्यादा बढ़े इसके लिए तमाम जो दिग्गज हैं वो अपने कार्यकर्ताओं के बीच जाकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। अमित शाह आपने देखे तस्वीरों में तमाम कार्यकर्ताओं के बीच और ये आप मुख्यमंत्री को भी देख पा रहे हैं जो होली की शुभकामनाएं यहाँ पर तमाम कार्यकर्ताओं को दे रहे हैं। अपना गृह मंत्री तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे, देखिए अमित शाह जो है होली का त्यौहार मनाने पहुंचे हैं अहमदाबाद गुजरात से। ये तस्वीर आप देखिए अहमदाबाद में उन्होंने होली का त्यौहार मनाया है और अभी भी अपने कार्यकर्ताओं के बीच में ही वो मौजूद हैं। चुनावी मौसम है, सियासी रंग तो है ही, लेकिन आज होली का त्यौहार और आज के दिन तमाम कहते हैं कि गिले शिकवे भूलकर लोग एक दूसरे को गले लगाते हैं, आम से लेकर खास तक हर कोई ये जश्न मनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कार्यकर्ताओं का उत्साह दोगुना करने के लिए चुनावी मौसम में अमित शाह खुद पहुंचे हैं उनके बीच में होली खेलने के लिए। देखिए ये अबीर गुलाल सबके चेहरे पर आपको नजर आएगा, तस्वीरें हर कोई कैद कर लेना चाहता है कि बड़ा नेता जो पार्टी का प्रमुख चेहरा है वो उनके बीच में पहुंचा है और ऐसे में होली का जो उत्साह है वो डबल ट्रिपल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए महिलाएं बड़ी तादाद में पहुंची हुई यहाँ पर, कार्यकर्ता बड़ी तादाद में पहुंचे हुए हैं, हर किसी का अभिवादन यहाँ पर कर रहे हैं अमित शाह। और देखिए क्योंकि चुनावी मौसम भी है, हाल ही में चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सियासी जो पारा है वो तो चढ़ा हुआ है, लेकिन आज खुमारी सिर्फ और सिर्फ होली की नजर आ रही है, खुशियों की होली है। ये तमाम कार्यकर्ता जो है यहाँ पर नंबर वन बनाई जाकर देश अपने शीर्ष नेतृत्व के साथ होली मना रहे यहाँ पर पहुंचा हुआ है और अमित शाह जी का स्वागत करते हुए यहाँ पर आपको भूपेंद्र पटेल जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के वो भी नजर आ रहे हैं और अमित शाह आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, तिलक लगाकर गुलाल लगाकर अपनों के बीच यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जोश उत्साह तो यहाँ पर कार्यकर्ताओं का देखते ही बन रहा है और ऐसे में अब देखिए गृह मंत्री अमित शाह कुछ कह रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की। सौथी पहला सौ कार्यकर्ता भाइयों विशेष कर मोटी संख्या में आयेली बहनों ने खूब खूब शुभेच्छाओ। आज इस मौके पर मैं देश भर के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर के सभी नागरिकों को होली और रंग की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारे यहां होली का त्यौहार कई सालों से, अनगिनत सालों से मनाया जाता है।
एक प्रकार से होली का त्यौहार असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक होता है। जब प्रह्लाद को प्रभु ने बचा लिया अपने पिता से, तो उसके दूसरे दिन ये रंग की होली मनाई जाती है। और दूसरी प्रकार से ये समानता का भी त्योहार है। जब रंग चला लग जाता है सबको, ना कपड़े दिखाई पड़ते हैं, ना चेहरे दिखाई पड़ते हैं, ना अगड़ा पिछड़ा कुछ दिखाई पड़ते हैं, सब एक समान रंग में रंगे हुए दिखाई पड़ते हैं। और आज पूरा देश रंग और होली का त्योहार मना रहा है। मेरी अनंत अनंत शुभकामनाएं सभी देश के नागरिकों को है कि होली का त्योहार एक प्रकार से किसानों का भी त्योहार माना जाता है, तो इसकी अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। और हम सब के लिए, न केवल देश, दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए होली विशेष है, क्योंकि एक बहुत बहुत पुराना लोकगीत है, होली खेले रघुवीरा अवध में होली खेले रघुवीरा। और 500 साल के बाद, 500 साल के बाद आज अवध में रघुवीर होली खेल रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है। मित्रों, ये होली का त्योहार सभी के लिए खुशियां, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन में प्रगति लेकर आए, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। आज गांधीनगर मत क्षेत्र ना सौ कार्यकर्ताओ अहीं उपस्थित छे। तमे चूंटणी नु काम बहु सारी रीते उपाड्यू छे, पण एटलू याद राखजो के चूंटणी मां उमेदवार ओछो देखाशे, तमारे वधारे देखावानुं छे। फिर एक बार सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मेरे साथ बोलिए जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। खूब खूब धन्यवाद। मयंक भाई बधानो नास्तो राख्यो छे, बधा चा नास्तो करीन जजो। खूब खूब धन्यवाद। तो गृहमंत्री अमित शाह को आपने सुना होली खेले रघुवीरा का जिक्र करते हुए कि इस बार की होली क्यों खास है, क्योंकि अवध में इस बार रघुवीर यानी प्रभु श्री राम होली खेल रहे हैं। जो इंतजार था 500 वर्षों का वो खत्म हुआ है, और इस बार की होली बहुत खास है।